हिमाचल प्रदेश में फिलहाल शुष्क ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में एक सप्ताह तक मौसम के साफ बने रहने की संभावना है, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मॉनसून के बाद हिमाचल में 9 के बराबर बारिश हुई है। नवंबर माह में सामान्य से 99% कम बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले 2016 में भी नवंबर माह में ड्राई स्पेल का इस तरह का दौर देखने को मिला था। बारिश न होने की वजह से प्रदेश में कड़ाके की सूखी ठंड पड़ रही है। कई स्थान पर पारा जमा बिंदु के नीचे लुढ़क गया है। देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर आगे आने वाले दिनों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिले हैं, जैसे कि लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा के जो ऊंचाई वाले स्थान है, वहां पे हमें 29 नवंबर की रात से हल्के स्तर की बर्फबारी देखने को मिलेगी, जो कि लगभग अगले 3 से 4 दिनों तक वहां पे, यानी कि 3 दिसंबर तक बनी रहेगी। बाकी सारे जिले हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से अगले 6 से 7 दिनों तक ड्राई रहने वाले हैं। अगर हम ड्राई स्पेल की बात करें कि नवंबर के मंथ में पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमें 0.2 मिलीमीटर रेन मिली हुई है, और जबकि जो हमारी नॉर्मल रेन होती है वो 19.7 मिलीमीटर होती है, जो कि ऑलमोस्ट 99% डिफिशियंट है। 2024 के पहले अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 2016 में हमें ऑलमोस्ट कोई भी बारिश देखने को नहीं मिली थी नवंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में। उसी तरीके से 2016 के पहले अगर हम देखें तो हमें 2011 में सिर्फ 0.3 मिलीमीटर रेन हिमाचल प्रदेश में मिला था नवंबर के मंथ में, और 2005 में भी 0.3 मिलीमीटर रेन दर्ज किया गया था पूरे महीने में, और उसके पहले अगर 1994 में 0.1 मिलीमीटर, 1975 में 0.2 मिलीमीटर रेन नवंबर के महीने में दर्ज किया गया था, उसी तरीके से 1970 में भी 0.2 मिलीमीटर और 1955 में 0.3 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज किया गया था, जबकि नॉर्मल वैल्यू हमारा 19.7 मिलीमीटर है। यानी कि अगर लास्ट 70 ईयर्स तक भी अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में कम से कम 8 या 7 साल, यानी कि 7 to 8 ईयर्स ऐसे रहे हैं जिसमें नवंबर के महीने में ऑलमोस्ट हमको बारिश नहीं देखने को मिली है। ड्राई स्पेल का रिकॉर्ड मैंने बताया कि हमारा लास्ट अगर हम 70 ईयर्स देखें तो लास्ट 70 ईयर्स में लगभग 7 to 8 ईयर्स ऐसे हैं जिसमें हमें लगभग या तो बिल्कुल भी रेन नहीं मिली है, या तो 0.2 या 0.3 मिलीमीटर रेन, यानी कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल 99% डिफिशियंट रेन 7 से 8 साल लास्ट 70 ईयर्स में हमें देखने को मिले हैं, जबकि 2016 में रेनफॉल 0 मिलीमीटर हुई थी, यानी कि बिल्कुल भी रेन नवंबर के महीने में दर्ज नहीं की गई है। टेम्परेचर्स की अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 30 दिसंबर तक, यानी कि अगले 3 दिनों तक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स में जिस रेंज में टेम्परेचर चल रहे हैं उसी रेंज में लगातार बने रहेंगे, लेकिन 1 दिसंबर से टेम्परेचर्स में, खासकर जो मिनिमम टेम्परेचर हैं उसमें लगभग 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है, जबकि जो मैक्सिमम टेम्परेचर हैं वहाँ उसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट हमें देखने को मिलेगी 3 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में, और 3 दिसंबर के बाद से एक बार मिनिमम टेम्परेचर्स में फिर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज की जाएगी हिमाचल प्रदेश के अनेक जिलों में। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।